एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो, वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है। एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो, वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है, उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। उनको बांध कर रखो, यहां बेलगाम सांड है, बयान कुछ और देगा, वो तोड़ फोड़ के काम करते हैं, ए और बी टीम है दोनों, सब देश की जनता जानती है उनको। तीन कानूनों से समाधान नहीं होगा, तीन कानून तो 1.5 साल पहला ही अब रिफिल हो गए, लेकिन जो किसानों की जो समस्या है वो तो ऐसी की ऐसी है ना। टिकैत साहब ने 35 साल पहले प्रोटेस्ट करा था, उस टाइम पे तो थे नहीं, आज से 2 साल पहले हमने आंदोलन करा, जो 2018 में आंदोलन करा, उस टाइम पे तो ये कानून थे नहीं, हमारे ऊपर क्यों गोली चली? प्रोटेस्ट तो 2 साल पहले भी किया था ना, ये तो बीच में कोई बीमारी आ गई। अब कोरोना आज से 5 साल पहले तो था नहीं, जब कोरोना आया तो उसका इलाज ढूंढा ना, कोरोना तो अभी आया, तो जोड़ सी बीमारी सबसे पहला आ जाए, सबसे पहले उसका इलाज करो। जैसे कुछ चैनलों का बीमारी है, 2 चैनल हैं, अब 2 चैनल को अगर बीमारी है तो पहले उन 2 चैनल का इलाज करेंगे, और का तो बाद में होगा, तो पहले 2 चैनलों का कर ले, जैसे बीमारी है यहाँ पे भी चैनलों का बीमारी है। हाँ, जारी रहेगी प्रोटेस्ट जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, और जो शहादत हुई जिन किसानों की उनको कंपनसेशन नहीं देगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं लेकर।